हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हमारे फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियन विलियम स्टेनिस की एक ज़बरदस्त अटैकिंग गेम दिखाने वाला हूं। ये गेम उन्होंने 1859 में काल हम्पी के सामने खेली थी। इस गेम में काल हम्पी के वाइट पीसेस थे। उन्होंने गेम की शुरुआत e4 से की एंड नाउ e5, नाइट टू c3 अ वियना गेम, नाइट टू f6 एंड नाउ f4। सो ये है दोस्तों वियना गैम्बिट। सो पर्पज़ ये होता है वियना गैम्बिट का कि आइडियली वो जो है किंग्स गैम्बिट का बेटर फॉर्म अचीव करने की ट्राई करते हैं विद दिस मूवर्डर। यहाँ पे d5 एंड नाउ पोन कैप्चर्स ऑन d5, नाइट कैप्चर्स ऑन d5 एंड एफ कैप्चर्स ऑन e5। सो दोस्तों, यहाँ पे पोन तो जो है आपने कैप्चर कर लिया, बट उसके साथ क्या हुआ कि आपने जो है डायगोनल को वीक कर दिया। और आइडियली आपको क्या करना चाहिए था उधर, शायद जो है d4 या तो फिर जो है वो सिंपली नाइट टू f3 खेलना चाहिए था। बट एनीवेज, एफ कैप्चर्स ऑन e5 एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन c3, बी कैप्चर्स ऑन c3 एंड क्वीन h4 चेक जो है वो गेम में खेला गया। किंग टू e2 एंड नाउ बिशप टू g4 चेक, नाइट टू f3। और ऐसा दोस्तों लग रहा है कि वाइट का किंग जो है वो यहाँ पे काफ़ी डेंजर में है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि वाइट का कंट्रोल जो है सेंटर पे वो काफ़ी ज़बरदस्त है। वो सिंपली d4 खेल सकता है एंड देन माइट बी वो जो है क्वीन e1 खेल के क्वीन को एक्सचेंज करने की भी ट्राई कर सकता है। और यहाँ पे जो है इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और इस पर्टिकुलर थीम पे ही जो है एक काफ़ी फेमस गेम है विलियम स्टेनिश की जी की ही, जहाँ पे उन्होंने जो है अपना किंग जो है वो काफ़ी सेंटर में ला के जो है खेला था इन द ओपनिंग स्टेज, और वो गेम भी जो है वो विन कर गए थे। यहाँ पे उन्होंने जो है वो नाइट टू c6 खेला। सो उनका आइडिया है दोस्तों सिंपली लॉन्ग कैसल करके इस रुक को जो है गेम में लाना। एंड नाउ d4 एंड लॉन्ग कैसल। और दोस्तों, इस पोजिशन में वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि वाइट को किस तरह से गेम को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल थ्रेट दिख रही है, बिशप कैप्चर्स f3 एंड नाइट कैप्चर्स ऑन e5 एक राइट। और दूसरा माइट बी सम सेक्रीफाइस आ सकते हैं d4 पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी किंग को जो है वो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सो जब भी दोस्तों आपका किंग जो है वो सेफ ना हो, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि आपको क्वीन एक्सचेंजेस करने की ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पे अगर वाइट क्वीन e1 खेलता है, क्वीन टू e1, देन वो जो है कम्प्लीटली ओके है। बट गेम में उसने क्या खेला, बिशप टू d2, और जिसकी वजह से अब जो है एक ज़बरदस्त सेक्रीफाइस आ सकता है गेम में। एक्चुअली विलियम स्टेनिश जी ने बिशप कैप्चर्स ऑन f3 खेला, जो कि उनकी मिस्टेक थी। ऑल दो यहाँ पे रुक कैप्चर्स ऑन d4 जो है वो जस्ट विनिंग है, क्योंकि सी कैप्चर्स d4 के बाद नाइट कैप्चर्स ऑन d4 चेक, और नाइट पिन होने की वजह से दोस्तों आप इस नाइट को कैप्चर भी नहीं कर सकते। और अब दो मूव पॉसिबल है वाइट किंग के पास, किंग टू d3 एंड किंग टू e3। हम दोनों देखते हैं, अगर किंग टू d3 डायरेक्टली, देन सिंपली बिशप टू f5 चेक, और उसके बाद से किंग टू c3, बट देन नाइट कैप्चर्स ऑन f3, और इस नाइट को कैप्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि क्वीन b4 जो है वो चेकमेट हो रही है। सो उसी तरह से बिशप f5 चेक के बाद से आप किंग e3 जाते हो, बट देन दोस्तों नाइट कैप्चर्स ऑन f3 जो है वो यहाँ पर विनिंग है। पॉइंट ये है कि क्वीन कैप्चर्स ऑन f3 के बाद सिंपली बिशप c5 चेक, और वहाँ पर आपको जो है किंग e2 खेलना पड़ेगा एंड देन बिशप g4 में जो है वो क्वीन चली जाएगी राइट। सो चलते हैं नाइट कैप्चर्स ऑन d4 चेक की ओर। यहाँ पर किंग d3 में तो हमने देखा कि विन हो रहा है, और से किंग टू e3, बट देन ऑल्सो दोस्तों नाइट कैप्चर्स ऑन f3, जी कैप्चर्स ऑन f3 एंड नाउ बिशप टू c5 चेक, किंग टू e2 एंड नाउ क्वीन f2 चेक जो है वो जस्ट विनिंग है। पॉइंट ये है कि किंग d3 देन क्वीन d4 चेक, किंग e2 एंड नाउ क्वीन e4 चेक, पोन पिन होने की वजह से यहाँ पे आपको जो है अब बिशप टू e3 ओनली मूव है एंड देन क्वीन कैप्चर्स e3 जो है वो मेट हो जाएगी। सो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी खेले, एक्चुअली वाइट की पोजीशन जो है काफ़ी जो है वो ख़राब हो रही थी। बट एनीवेज गेम में चलते हैं, जहाँ पे बिशप d2 के बाद एक्चुअली विलियम स्टेनिस जी ने जो है वो रुक कैप्चर्स ऑन d4 नहीं खेला। उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट खेला बिशप कैप्चर्स ऑन f3 एंड नाउ जी कैप्चर्स ऑन f3 के बाद सिंपली नाइट कैप्चर्स ऑन e5। सो दोस्तों यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए किस तरह से वाइट जो है अब खुद का डिफेंस कर सकता है। रेडी, यहाँ पे एक्चुअली वाइट को खेलना चाहिए क्वीन टू e1, ताकि अब देखिए नाइट भी हैंगिंग है और क्वीन भी जा रही है। सो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, क्वीन कैप्चर्स ऑन e1 देन बिशप कैप्चर्स ऑन e1, और उसके बाद जब भी आप नाइट सेव करोगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है मटेरियल है गेम में इक्वल है, और क्वीन मौजूद ना होने की वजह से वाइट के किंग पे अटैक भी नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली पोन स्ट्रक्चर जो है वो वाइट का थोड़ा जो है अच्छा नहीं है, बट उसके सामने उसके पास जो है वो बिशप पेयर भी है। सो ये जो है वो वाइट का बेस्ट डिफेंसिव रिसोर्सेज था, बट गेम में जो है उन्होंने क्या किया दोस्तों, नाइट कैप्चर्स e5 के बाद पहले जो है वो पोन कैप्चर्स ऑन e5 खेला एंड नाउ बिशप टू c5 के बाद अब जो है वो क्वीन e1 खेलने के लिए गए। बट दोस्तों अब ये जो है काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे
डी फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है. क्वीन टू सी फोर चेक फर्स्ट, किंग टू डी वन एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन सी थ्री. सो रुक पे अटैक है एंड रुक टू बी वन एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन एफ थ्री चेक. और दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबल मूव है, बिशप ए टू एंड क्वीन ई टू. क्वीन ई टू जो है वो गेम में खेला गया, बट अगर आप बिशप ई टू खेलते हो देन गेम कुछ इस तरह से कंटिन्यू हो सकती है, रुक कैप्चर्स ऑन डी टू चेक. और ऑफकोर्स अगर आप क्वीन कैप्चर्स डी टू खेलते हो देन सिंपली जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन एफ सॉरी एच वन जो है वो जस्ट यहाँ पे विनिंग है. सो किंग कैप्चर्स ऑन डी टू एंड नाउ क्वीन टू ई थ्री चेक, किंग डी वन एंड नाउ रुक डी थ्री चेक, सॉरी रुक टू डी एट चेक, बिशप टू डी थ्री, रुक कैप्चर्स डी थ्री, सी कैप्चर्स डी थ्री एंड क्वीन कैप्चर्स ऑन डी थ्री के बाद यहाँ पे ब्लैक जो है वो जस्ट विन हो रहा है, क्योंकि किंग सी वन एंड देन बिशप टू ए थ्री, रुक टू बी टू एंड नाउ क्वीन बी फाइव. सो अभी हमारी थ्रेट है दोस्तों क्वीन कैप्चर्स जस्ट बी टू की, और यहाँ पे अगर आप उसको सेव करने की ट्राई करते हो विथ ऐसे क्वीन टू सी थ्री, बट देन सिंपली बिशप कैप्चर्स ऑन बी टू, क्वीन कैप्चर्स बी टू और क्वीन सी सिक्स चेक के बाद जो है ये रुक चला जाएगा. और यहाँ पे अगर हम पॉन काउंट करें तो सुनीश जी के पास तीन एक्स्ट्रा पॉन है. सो ये पोजिशन जो है दोस्तों वो सिंपली ब्लैक के लिए विनिंग है. सो क्वीन कैप्चर्स एफ थ्री के बाद एक्चुअली गेम में क्वीन टू ई टू खेला गया एंड नाउ रुक कैप्चर्स ऑन डी टू, किंग कैप्चर्स ऑन डी टू, रुक टू डी एट चेक, किंग टू सी वन एंड नाउ बिशप टू ए थ्री चेक एंड रुक टू बी टू एंड नाउ क्वीन टू सी थ्री. सो अब थ्रेट है सिंपली जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन बी टू की एंड नाउ बिशप टू एच थ्री खेला गया. ये दोस्तों फोर्स मूव थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली जो है क्वीन बी फाइव खेल के रुक को सेव करने की ट्राई करते हो देन एक ही मूव में चेकमेट हो रही है क्वीन टू ई वन, राइट. सो क्वीन टू सी थ्री के बाद फोर्स था कि पहले जो है आप बिशप ए थ्री सॉरी बिशप एच थ्री चेक देते और किंग टू बी एट के बाद अब जो है आप क्वीन बी वन बी फाइव के लिए जाओ. बट यहाँ पे गेम जो है दोस्तों ख़त्म हो चुकी है. वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए आप किस तरह से जो है तीन मूव में वो व्हाइट के किंग की चेकमेट कर सकते हो. रेडी, क्वीन डी टू चेक, किंग बी वन एंड नाउ क्वीन सेक्रीफाइस. सो यहाँ पे दोस्तों ये जो है वो सिंपल बैक रैंक चेकमेट हो गई. सो है कि नहीं दोस्तों विलियम स्टेनिश जी का जबरदस्त अटैक. आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले. धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय.